गुजरात राज्य ने यहाँ पर संबंधित विभागों के साथ और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ एक मीटिंग की इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से, और इसमें इन्होंने जितनी भी अभी तक की तैयारियाँ हुई हैं उनकी समीक्षा की। विशेष रूप से जो कच्छ जिले में 15 तारीख को शाम को 5 से 6 बजे के आसपास संभावित साइक्लोन हिट करने की संभावना है और वहीं पर लैंडफॉल करके आगे की तरफ बढ़ेगा, उसके बारे में उन्होंने विशेष रूप से चर्चा की। और कितनी शिफ्टिंग हुई है, माइग्रेशन कितना हुआ है, इस बारे में उन्होंने जो आंकड़े थे उसके बारे में बात की और कलेक्टर्स को इन्फॉर्मेशन दी कि आज शाम तक जो भी एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन है जिनको हमको माइग्रेट करना है उनको तत्काल कर लिया जाए। हमारे एनर्जी डिपार्टमेंट के साथ भी उन्होंने समीक्षा की कि कितने जो बिजली के पोल्स हैं जो डैमेज हो सकते हैं उनके बारे में कितनी टीम्स हैं उनके सबके बारे में भी चर्चा किया है। और वो डिपार्टमेंट की समीक्षा में ये बात सामने आई कि जो कल पानी बरसा है उसमें कुछ जो डैमेज हुए उसको तात्कालिक रिस्टोर कर लिया गया है। एक सब स्टेशन ख़राब हुआ था, उस सब स्टेशन को भी हम तुरंत रिस्टोर कर रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम सभी जगहों पर पहुंच गई हैं और वो जो भी एक्सपेक्टेड राहत कार्य होने हैं उनके बारे में अपने लॉजिस्टिक्स के काम कर रही हैं। मोबाइल टावर्स में इंट्रा सर्कल फैसिलिटीज जो है उसको चालू किया गया जिससे कि कम्युनिकेशन लैप्स ना हो। हैम रेडियो सेटेलाइट फ़ोन भी सक्रिय हैं और उनकी टेस्टिंग भी कर ली गई है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स अपने फील्ड में हैं अपनी टीम के साथ और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट हो या पीडब्ल्यूडी हो जिसका रोड से संबंध होता है, एनर्जी डिपार्टमेंट जो पीजीवीसीएल जो इलेक्ट्रिक सप्लाई से संबंध होती है, उनके सारी टीम्स नीचे पहुंच चुकी हैं और मटेरियल स्टॉकिंग भी हमने कर लिया है जिससे कि अगर कल तेज़ हवा के चलते जिसकी स्पीड 100 से 140 किलोमीटर तक हो सकती है अगर ये बिजली के खंभे वगैरह गिर जाते हैं तो उनको हम तात्कालिक रिस्टोर करके सप्लाई को वापस कर सकें। जितने भी माइग्रेटेड एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन थी लगभग 55,000 के आसपास, उसमें से लगभग 46-47 हज़ार के आसपास का माइग्रेशन हो चुका है और वो सेफर प्लेसेस में हैं। बाकी जो बचे हैं उनको हम शाम तक कर लेंगे।